आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इस एसी का जो कंप्रेसर होता है वो किस तरह ट्रिप होता है, क्यों ट्रिप होता है, किस कारण से ट्रिप होता है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे फुल डिटेल में। तो अगर एसी का जो कंडेंसर है वो अगर गंदा है, डस्टी है, अगर सर्विस करने के लायक है तो उससे सर्विस करना होगा। इस वजह से भी क्या होता है, कंप्रेसर गर्म होता है और ट्रिप होता है। कैपेसिटर भी चेक करना होगा, अगर वो जो फॉल्टी होगा तो भी आपका कंप्रेसर जो है हाई एम्पियर लेगा, गर्म होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्लाइमीटर की मदद से, जो है आउटडोर में आप 220 वोल्टेज आप चेक कर लें, अगर कम या ज़्यादा आएगा तो भी आपका जो है आउटडोर जो है वो आपका गर्म होगा, ट्रिप करेगा। आपका है मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट है 1 टन एसी का, आप वहाँ पे 1 टन लगा दिए तो आपका क्या होगा कि कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा और हीटअप होगा और वो ट्रिप करेगा, गर्म होगा। ये सब कुछ सही है तो आप आउटडोर का जो है आउटडोर फ़ैन देख लें, फ़ैन मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा, नहीं चलेगा तो भी आपका जो कंप्रेसर है हाई एम्पियर लेगा और गर्म होगा और ट्रिप करेगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।